अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। देखते हैं आज की अहम खबर। हालिया दिनों में शहर हैदराबाद के फसलानसर में नौजवान शरफुद्दीन का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। हम आपको बता दें कि शरफुद्दीन एक कार मैकेनिक था और उसकी दुकान में घुसकर चंद राउडी शटर्स ने उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया था। और इस हादसे के बाद वहां की आवाम सड़कों पर एहतजाज के लिए उतर आई थी। आवाम क्यों एहतजाज पर उतर आई थी, इस बात से तो आप सब ज़रूर वाकिफ होंगे। इसके बाद पुलिस ने भी फ्लैग मार्च किया था और इस मामले में पुलिस ने कड़ी तहकीकात करते हुए शरफुद्दीन मर्डर केस में मुलविस तीन अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके नाम हैं अरशद, फिरदौस और अजहरुद्दीन। हम आपको बता दें पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर अदालती तहवील में दे दिया है। अब ये देखना है कि अदालत इन तीनों को क्या सज़ा देती है। बताया जा रहा है कि इस जुर्म में मुलविस एक और अफराद अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगी है। बहरहाल कुछ भी हो, पुलिस ने इस मामले में कड़ी तहकीकात करते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। शरफुद्दीन के घर वालों को अदालत की तरफ से इंसाफ मिल पाता है या नहीं। क्लैंसर में शरफुद्दीन का मर्डर हुआ, वो केस में तीन अकील, उसमें दो रोडी शीट है, वो तीनों को आज अरेस्ट करके कोर्ट को भेजा है। जो रोडी शीटर का नाम अरशद बख्तियार, एक गोलकोना रोडी शीटर है, उन्होंने 16 केसेस में इन्वॉल्व हुआ। इससे पहले उनके ऊपर एक्सटॉर्शन, अदर मर्डर केसेस, बॉडी हर्ट केसेस है। उनको 2003 का मर्डर केस में एक बार एक लाइफ कन्विक्शन हुआ गया। 2009 में उनको एक्विटेड हाईकोर्ट से एक्विटेड हुआ। और दूसरा फिरदौसी 28 केसेस में एक्विटेड है, उन्होंने भी बंजारा हिल्स का रोडी शीट है, उनको भी ऊपर भी हमारा सर्वेलेंस है। ऐसे दूसरा अज्जू बोल के एक प्रॉपर्टी अफेंडर है, एसोसिएट ऑफ दी पार्टिया, उनको भी सस्पेक्ट शीट है। आज ये तीनों को अरेस्ट करके कोर्ट को भेजा है। जो 31 के दिन जो हरुण और सादिक और रशीद, तीनों सादिक का उनका दोनों बेटा है, उन लोगों को मैकेनिक शीट से बंजारा फंक्शन हॉल के बाजू से जो नाला के पास है वहाँ छोटा मोटा कार का बिजनेस करते रहता, मैकेनिक का काम करते रहता है उनका भाइयों का, जो उनके पास आए सो कार भी आते रहता, वो पूरा पार्किंग के बारे में इनको उनको थोड़ा गड़बड़ हुआ था। बहुत दिन से उन्होंने पार्किंग में उन्होंने निकालो बोले, इनका जॉइंट विल बिजनेस है, उन्होंने रखने के लिए भी कोशिश कर रहा था। जो वो डिस्प्यूट से वो दिन 31 के दिन 2 o'clock को उन्होंने आए थे, वो समय में सादिक, अरुण और रशीद तीनों थे। वो समय में दोनों को वो कार निकालो बोले से समय में दोनों को थोड़ा आर्गुमेंट भी हुआ, उसमें अरुण उनको ढकले थे, जो वो समय में उन्होंने भी ऊपर आके नाइफ से ऐसा करा था, जो उन्होंने भी आया था, उन्होंने भी रेसिस्ट कर, रशीद भी रेसिस्ट करे थे, उनको थोड़ा इंजुरीज हुआ। इमीडिएटली वो लोगों बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन को चले गए। मीनवाइल ये अरशद बख्तियार हमारे ऊपर ऐसा करे बोल के उन्होंने घर को जाके और उनके साथ जो अज्जू बोल के एक एसोसिएट को लेके उनको हाथे कुछ वेपन्स भी लेके आया था, जो लेके के जो वहाँ हैसो प्लेस में जो ये फखरुद्दीन बोल के दूसरा भाई का बेटा है, उन्होंने भी वहीं थे, जो उसके बीच में जो यही सुबह हुआ सो वही 15 मिनट पहले हुई है सो इंसिडेंट के बारे में थोड़ा आर्गुमेंट होने के बाद उन्होंने उनके पास वेपन से उन लोगों के ऊपर अटैक किया। उसमें सिराजुद्दीन तो इमीडिएट इंजुरी हुआ, सॉरी शरफुद्दीन को और हारून को भी थोड़ा मार लगा था। इमीडिएटली वो लोगों बिल्डिंग से इमीडिएटली वो लोगों भाग के गए थे।
जो वो समय में हमारे को पुलिस को इन्फॉर्मेशन आया सो बंजारा हिल्स से एक पेट्रोल मोबाइल व्हीकल एंड हुमायूं नगर से आए वो लोगों बात की है, वो लोगों को आज अरेस्ट करके कोर्ट को भेजा। सब ये मर्डर का असल रीजन मामूल मांगते थे, ये लोग मामूल नहीं देते थे बल्कि वहाँ के लोग बताते हैं। इनके ऊपर एलिगेशन है, पर्टिकुलरली ये केस के बारे में, ये दोनों के मैकेनिक के बारे में कभी भी उन्होंने नहीं पूछे, बट रिमेनिंग लोग पैसे मांग रहे बोल के एलिगेशन को है। सब इसके अंदर डिसीज का भाई एलिगेशन पुलिस पे भी लगाया था सब, बंजारा पुलिस में उनको रिस्पॉन्स नहीं मिलने की वजह से नहीं ये मर्डर हुआ, ये कहां तक सही? वो ये बताना कहता जो इन्हों 254 को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन रीच हुआ, हमारे पास विजुअल्स भी है, जो समय में एक ही रिसेप्शनिस्ट है उन्होंने उनको जो इंजरी हुआ वो लोगों को सर्टिफिकेट लाके उनको भेजने के टाइम में वही समय में हार फिर इनको सेकंड टाइम इनको फोन आया तो दूसरा लोगों को अटैक कर रहा बोल के इन्फॉर्मेशन बोले थे। इमीडिएटली 10 मिनट में 306 को उन्होंने सेट में बात करके वो पेट्रोल मोबाइल कलेक्ट करके उधर जाए थे, जो बोलो पहुंचने में 10-15 मिनट उधर इधर लेट। सेकेंड इंसिडेंट में 313 को जो उनको इन्फॉर्मेशन देने के बाद 5-10 मिनट हमारे लोगों रीच हुए तक वो इंसिडेंट हुआ और हमारा ऑफिसर्स जो पेट्रोल मोबाइल जाके वो इंजर्ड को शिफ्ट करे। सब ये राउडी शीटर्स, दोनों राउडी शीटर्स में एक पीडी एक्ट एक लाइफ कन्विक्शन का है, तो ऐसे राउडी शीटर्स जेल को जाके आने के बाद में भी सही नहीं रह रहे तो इनके खिलाफ आप क्या सख्त कार्रवाई करेंगे सर? जो अपने अपने को लॉ कितना अपने को लॉ में अपन कहाँ तक जा सकते हैं वहीं तक जा रहे, और पीडीएक भी लगाने के भी चांस है उनको भी फिर प्लान करना और वो लोगों के ऊपर रिकॉर्ड भी तैयार कर रहे हैं। और फिर एक बार ये केस में ट्रायल के समय में ये पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा एविडेंस भी हम बताते हैं, अभी भी लाइव कनेक्शन आता फिर बाहर नहीं आता।